हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण पे। देखिए, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्या है, क्लास ट्वेल्व का है। क्लास ट्वेल्व का फर्स्ट टॉपिक है किसका, प्रोज का, जो कि क्या नाम है इसका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड क्या, कल्चर। तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहले आप लोग को मैं ये बता दूँ कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये चैप्टर को महात्मा गांधी ने लिखा है। पहले हम महात्मा गांधी के बारे में बात कर लें, तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें। तो देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो कि किस कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी, जो कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जल्दी से मेरे वीडियो को जितना से जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो देखिए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड क्या, कल्चर। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, देखिए ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, देखिए द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाई, किनके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए, हु हैज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है इंडिया का। ठीक है, देखिए, ही वॉज द फॉर्मेस्ट लीडर ऑफ हिज पीरियड, ये जो थे महात्मा गांधी, ये अपने पीरियड के, अपने काल के क्या, कौन से लीडर कहलाते थे, फॉरमोस्ट लीडर। फॉरमोस्ट का कहने का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, देखिए, द प्रेजेंट चैप्टर इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई हिम, ये जो प्रेजेंट चैप्टर है ये क्या है, स्पीच है। अगर आप लोग से कोई पूछे कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो क्या है, ये किस चैप्टर पे आधारित है, तो क्या है, ये स्पीच है जो कि डिलीवर किया गया है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या है, इन दिस चैप्टर वी गेट द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग बात करेंगे क्या, डिफरेंस बात करेंगे किसके बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं गांधी जी हमारे, देखिए, ही सेज डैट, वे कहते हैं जो इंडियन सिविलाइजेशन है इज एज ओल्ड एज द सिविलाइजेशन ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है वे सबसे पुराना है किस कंट्री से, बाकी सभी कंट्रियों से, अदर कंट्रीज इन द ऑफ द वर्ल्ड, जो सारी दुनिया के जितने भी सारे कंट्रीज हैं उसमें सबसे पुराना कौन सा हमारा है, इंडियन सिविलाइजेशन है। बट द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज हैव चेंज्ड देयर सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू टाइम एंड देयर नेसेसिटी, ये कहते हैं कि जो पीपल हैं अदर कंट्रीज़ के, यानी दूसरे देश के जो पीपल हैं, वे चेंज कर दिए अपने सिविलाइजेशन को अकॉर्डिंग टू टाइम एंड देयर नेसेसिटी। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो अदर पीपल थे, अदर कंट्रीज के लोग थे, उन्होंने समय और अपने ज़रूरत के मुताबिक अपने सिविलाइजेशन को क्या किए, चेंज कर दिए। ठीक है, लेकिन बट इंडियंस हैव नॉट चेंज देयर सिविलाइजेशन अप टू नाउ, लेकिन जो इंडियन हैं, जो भारतीय हैं, वे अपने सिविलाइजेशन को चेंज किए हैं कि नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडियंस हैव नॉट चेंज देयर सिविलाइजेशन अप टू नाउ, अभी तक जो भारतीय हैं उन्होंने अपने सिविलाइजेशन को चेंज नहीं किया है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड, ये बोलते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है बहुत पुराना है। ही सेज डैट सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इमेटिंग
इंडियन सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, यूनिटी, सेल्फ कंट्रोल, ट्रू लव, ब्रदरहुड एंड सेटिस्फैक्शन। ये कहते हैं कि जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है, एक मिनट इसको थोड़ा सा देखिए। ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन, ही सेज द सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड आर इमिटेटिंग। इमिटेटिंग का मतलब होता है नकल करना, किसी की नकल करना, इमिटेटिंग कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इंडियंस, ही सेज दैट सम ऑफ द कंट्रीज, कुछ हमारे देश हैं जो मतलब दुनिया के जो कुछ देश हैं वो नकल करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन की। किस लिए करते हैं? उनकी क्वालिटी को देखकर, उनके गुण को देखकर, लाइक यूनिटी यानी एकता, सेल्फ कंट्रोल, ट्रू लव, भाईचारा, ब्रदरहुड एंड उनकी संतुष्टि। जो सेटिस्फैक्शन है हमारा, भाईचारा है, जो ट्रू लव है, सेल्फ कंट्रोल है, इसकी नकल करते हैं कुछ देश, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए उसके बाद क्या कहा है कि ही सेज डैट, वे कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। वे कहते हैं जो इंडियन सिविलाइजेशन है हमारा वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, किससे? यूरोपियन सिविलाइजेशन से। बिकॉज, क्योंकि जो इंडियन सिविलाइजेशन है टीचेज द लेसन ऑफ मॉरलिटी, बट द यूरोपियन सिविलाइजेशन टीचेज द लेसन ऑफ इमोरलिटी। वे कहते हैं कि जो जो दोनों हैं, दोनों सिविलाइजेशन है बिल्कुल अलग है। हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो हमको मॉरलिटी यानी नैतिकता को परिभाषा करता है, नैतिकता को बताता है, लेकिन जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो हमारा इमोरलिटी का टीच करता है, द लेसन ऑफ यानी जो टीचेज द लेसन ऑफ इमोरलिटी, अनैतिकता को दर्शाता है। देखिए, इन इंडिया नेचर इज वैल्यूएबल एंड वर्शिप एट गॉड्स। हमारे इंडिया में नेचर को वैल्यूएबल माना गया है और पूजा किया गया है, पूजा कर किया जाता है किसको? भगवान को। बट लेकिन इन यूरोप में क्या किया जाता है कि मशीन्स आर वैल्यूएबल। इंडिया में वैल्यू दिया जाता है हमारे किसको? भगवान को, हमारे प्राकृतिक को, हमारे नेचर को। लेकिन जो यूरोप हैं वहाँ वैल्यू दिया जाता है मशीन्स को। Therefore, new machines are invented daily. वहाँ डेली का डेली नया मशीन इन्वेंट किया जाता है, नया मशीन क्या किया जाता है? इन्वेंट किया जाता है। वहाँ वैल्यू दिया जाता है मशीन को। He says that, ये देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, उन्होंने कहा है He says that, देखिए, ही सेज डैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, बिकॉज द मोर पीपुल हैव द मोर दे वांट, मीन्स दे डू नॉट हैव सेटिस्फैक्शन। इसके कहने का मतलब वे कहते हैं कि जो माइंड है ये एक बेचैन पंछी है, ठीक है। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, इन्होंने मन को एक बेचैन पंछी कहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि जितना जिसके पास रहता है वो उतना अधिक चाहता है। इनके कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए किसी के पास 10 रुपया है तो वो चाहता है कि हमारे पास 100 रुपया हो, अगर उसके पास 100 रुपया है तो वो चाहता है कि हमारे पास 1000 रुपया हो। तो यानी इनके कहने का मतलब हुआ कि किनके पास जितना भी है वो उससे संतुष्ट नहीं है, दे डू नॉट हैव सेटिस्फैक्शन, ठीक है। देखिए ये कहते हैं, ही सेज आवर एंसेस्टर डिसवेड अस फ्रॉम प्लीजर बिकॉज दे सॉ द लिप्स ऑफ द रिच एंड द पुअर। ये कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वे हमको रोकते थे, ज़्यादा सुख से वंचित रखते थे। डिसवेडेड का मतलब रोकना होता है, वंचित करना, क्योंकि वे देखे थे क्या, वे दे सॉ द लिप्स ऑफ द रिच एंड द पुअर। वे रहने वाले लोगों को यानी गरीब लोगों को और अमीर लोगों को रहते हुए देखे थे, इसलिए वे हमें ज़्यादा सुख नहीं देते थे, ज़्यादा सुख से वंचित रखते थे हमारे जो पूर्वज थे। क्योंकि देखिए वे कहते थे कि द लाइफ ऑफ द पुअर वॉज बेटर दैन एंड हैप्पियर दैन डेट ऑफ रिच। वे कहते थे कि जो हमारा जीवन है पुअर का जीवन यानी गरीब का जीवन बेटर है, बहुत गुड का बेटर होता है, हैप्पी का हैप्पियर होता है, ये कंपरेटिव फॉर्म होता है। तो ये कहते हैं कि जो जीवन होता है
वो लाख गुना बेटर और लाख गुना हैप्पियर होता है किन से? हमारे अमीर लोगों से। वे कहते हैं, ही सेज दैट यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ द सिविलाइजेशन ऑफ मशीन एंड द मशीन क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन डिजीज इटीसी। वे कहते हैं कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ये एक मशीन्स है जो, और मशीन्स जो है वे ऐसी है कि जो कभी रोग देती है तो कभी पॉल्यूशन देती है। दे यानी द मशीन क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स, मशीन जो है बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, कभी पॉल्यूशन देती है, कभी डिजीज रोग देती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन पीपल ऑफ इंडिया। यानी जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो अच्छा नहीं है किन के लिए? जब पीपल ऑफ इंडिया यानी भारतीयों के लिए। गांधी जी वांट्स टू से डैट, गांधी जी लास्ट में ये भी कहना चाहते थे, कहे हैं कि बोथ सिविलाइजेशन, बोथ यानी इंडियन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन आर गुड, बट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ अ गुड ऑफ पीपल ऑफ यूरोप। फाइनली इन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो इंडिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो यूरोप के पीपल के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखिए आज मैंने समरी बताया क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप लोग इस समरी को जितना ध्यान से पढ़ सकते हैं, उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आया होगा ये। तो आप लोग इसे बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ें और इसे आप लोग एग्ज़ाम में लिखिए। मैं गारंटीड करता हूँ कि आप लोग को एग्ज़ाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगी इसको लिखने के बाद। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और लाइक कमेंट करना नहीं भूलें। कैसा लगा आप लोग को चैनल ये ज़रूर अपने कैसा लगा ये आप लोग को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये आप लोग ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।